रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर फ्रेश बैचेस क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12, स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम CBSE एंड ICSE. नया बैच 15 मार्च 2020 से स्टार्ट. 9576144386. नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी. प्रस्तुत है समाचार. कांडी से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट. बाजार के प्रसिद्ध वस्त्र व्यवसायी अशोक प्रसाद के युवा पुत्र गौतम कुमार 28 वर्ष का निधन हो गया. इस तरह एक युवक के अकस्मात निधन की सूचना पाकर एक बार की सारे लोग स्तब्ध रह गए. परिजन चित्कार कर उठे, वहीं बस्ती व बाजार में सन्नाटा छा गया. बाजार में अवस्थित प्रतिष्ठान अशोक वस्त्रालय के बेटे गौतम कुमार ने बुधवार की रात 2:30 बजे अंतिम सांस ली. उसे इलाज के लिए लखनऊ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया था. परिजनों के साथ साथ सभी लोगों शव लेकर वापस आए. कांडी के बड़े व्यवसायी अशोक प्रसाद के ज्येष्ठ पुत्र गौतम कुमार को करीब 1.5 महीना पहले चेचक निकला था. उपद्रव बढ़ने पर इलाज के लिए उन्हें रांची ले जाया गया था. कई दिनों के इलाज के बाद भी ठीक नहीं होने पर उन्हें PGI लखनऊ ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम को खून नहीं बन रहा था, बार बार खून चढ़ाना पड़ रहा था. गौतम के दो नन्हे बच्चे हैं, जिसमें 1.5 साल का एक बेटा और एक बेटी है. दूध मुही बच्ची तो मात्र 6 महीने की है. सुरक्षित वाहन से दोपहर बाद मृतक का शव घर लाया गया. शव पहुंचते ही मृतक के माता पिता व परिजनों के साथ इष्ट मित्र व गांव सहित पड़ोसी और दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे. मालूम हो कि गौतम इस इलाके का उभरता हुआ युवा व्यवसायी व बेहद मृदुभाषी तथा मिलनसार युवक था. उसके इस तरह अचानक छोड़कर चले जाने से सबके ऊपर मानो वज्रपात हो गया था. काफी संख्या में लोग काट मारने जैसा जड़वत होकर रह गए थे. दोपहर में ही सोन नदी के घाट पर मृतक का अंतिम संस्कार हेतु ले जाया गया, जहां पर पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम हेतु शव को जलाने से रोक दिया गया. युवा व्यवसायी की शव यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल थे. इस मौके पर कांडी पंचायत के मुखिया विनोद प्रसाद, श्री रामनवमी कमेटी कांडी के अध्यक्ष राजेश प्रसाद, उप प्रमुख प्रतिनिधि अशोक प्रसाद सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे. मृतक गौतम के शव को अंतिम संस्कार के लिए सोन नदी में ले जाने के बाद उनकी पत्नी सीमा देवी व ससुर नारायण प्रसाद 25 लोगों के साथ कांडी थाना पहुंचे. उन्होंने गौतम की हत्या की जाने की आशंका व्यक्त करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की गुहार लगाई. पुलिस इंस्पेक्टर हरिकिशोर मंडल थाना प्रभारी राम अवतार ने तत्काल प्रभाव से ASI नकी इमाम खान व पुलिस बल को भेजकर दाह संस्कार रोक दिया. थाने में काफी देर तक दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद थाना प्रभारी भी शमशान घाट के लिए निकले थे. मालूम हो कि गौतम और उसकी पत्नी सीमा के बीच आपस में अनबन रहा करती थी. फिलहाल भी वह उसके मायके पलामू जिला के छतरपुर थाना अंतर्गत लठैया गांव में थी. वहीं से वह कांडी थाना पहुंची थी. इधर खबर लिखे जाने तक पुलिस सोन नदी से शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहती है, लेकिन मौजूद लोग इसका तीव्र विरोध कर रहे थे. शव को पोस्टमार्टम हेतु गढ़वा शाम 6 बजे भेज दिया गया. आपको कैसे जानकारी हुआ कि पॉइजन दिया गया है इनको? उनके चेहरा देख करके पता चला. चेहरा से देख करके पता चल गया? जी, गला में काला है. कब देखी इनके चेहरा को आप? हॉस्पिटल में देखी. हॉस्पिटल कहाँ पर? लखनऊ में. तो चेहरा देख के आपको पता चल गया कि ये जहर खाए हैं? जी. तो आप जो अभी मतलब शव को यहाँ पे सोन नदी के तट पर ले जा करके संस्कार के लिए भी ले जाया गया था, अभी वहाँ से वापस लाया गया? जी, हम जब आंगन में अपने घर गए वहाँ पे हमको नहीं देखा दिया जा रहा था, जबरदस्ती देखे हैं जी. वहाँ अपने बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाए जी. क्या नाम हुआ आपका? जी, आकांक्षी गुप्ता उर्फ सीमा कुमारी. सीमा कुमारी. घर? लठिया थाना छतरपुर. कितने? दो लड़के हैं आपके? एक लड़का एक लड़की. रांची गए, रांची रेफर किया तो हम लखनऊ गए PGR में. PGI में जाने के बाद वहाँ से मेरा लड़का जो है 2:19 में डेट हो गया. 2:19 में डेट हुआ तो कागज बना के हम वहाँ से दिया गया 2:45 के लगभग के 2:02 के कितना तक? बुधवार को. कल? हाँ कल. अच्छा. कल मैंने भोर में दिया. अच्छा. भोर में दिया लास्ट, उसके बाद कागज दिया तीन को. ये कागज बॉडी तीन लाख के कागज दिया, सेमरी दिया पूरा कि कैसे इलाज हुआ इसका. और दूसरा का एक कागज दिया जो आपका अथी है बॉडी अथी जुड़ने को अथी देता कागज. और फिर एक बार यहाँ लास्ट जहाँ दिया हुआ कागज साइन कर दिया. तीन कागज मेरे हमको दिया है. तीन कागज. हाँ.
तो लेके अमुआ से आए। आपकी जो पुतोहु है जो अभी उनके मृतक की पत्नी है उनका एक बयान आया है कि वो उनको जहर देके मारा गया है, इनका कहना है, आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि अभी तक इलाज करने में जी गढ़वा जब वो लेके गए तो उसको हम कहवा है राजा राम से कि उनको कह दीजिए कि हमारा लड़का सीरियस है, कम से कम आके देख ले, नहीं गया देखने। फिर वहाँ से रेफर किया गढ़वा रांची, तो वहाँ पर भी लखन साहब लठिया के लखन साहब के ड्राइवर जाके खुद कहा अपने से कि वहाँ लड़का सीरियस है, आप लोग को कुछ नहीं। उल्टी में लखन साहब जो है लखन साहब के ड्राइवर को नारायण साहब जो है तो बोल उल्टा सीधा बोले, अब बोलने के बाद वहाँ कहा, फिर लखन साहब हमसे कहे कि नारायण साहब कौन है? नारायण साहब हमारा समधी। वो जो है उल्टा सीधा लखन साहब ड्राइवर को बोले, लखन साहब फिर हमसे कहे कि देखिए ना जब पहले भेजे थे हम उल्टा सीधा बोल दिया, हमने छोड़ दिया नहीं बोला, तो उसके बाद ये हुआ तक नहीं गया। आज तो आप दाह संस्कार के लिए सोन नदी में भी लेकर चले गए? हाँ, सोन नदी में हम ले गए। उसके बाद ही कहा ना कहा किया कह रहा है, जबकि लड़की गया हुआ इसके सामने हमारा लड़का जो है दम तोड़ रहा है ना, सामने दम तोड़ते हुए जो है देखा है, तो उसके हम कहे कि दम तोड़ा है कम से कम तो भेंट कर लो, अभी भेंट करके कह रहे कि हम जा रहे हैं गाड़ी से, जा रहे हैं गाड़ी। अभी पति जी इसका डेट करे और पत्नी कह रहा है कि हम जा रहे हैं गाड़ी से, तो बताइए किसी दूसरे से तो हो सकता है? ये चलते देख ले, ये पत्नी तो पति मर रहा है और पत्नी तू गाड़ी धर के निकल रही है, आई के पीछे क्या कारण है? कुछ तो कारण हो सकता है। और उसके बाद ही थाना में रह के हमारा बॉडी जो है थाना प्रशासन हमारा टांग के बॉडी जो है वहाँ दाह संस्कार के स्थल से लान के पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा है। अब पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा है तो कहीं कोई रिपोर्ट ऊपर से नहीं आया है, ना कोर्ट से आई है और ना कहीं से आई है, अब कैसे इन लोग आ रहा है, अब इन लोग जाने मतलब पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा ले जाया जाए। हाँ, गढ़वा ले जाए थाना के द्वारा। हाँ, दाह संस्कार से उठा के लाश, लकड़ी बोझा हुआ है मेरा, लकड़ी बोझा हुआ, सारा सामान हुआ रखा है। इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, वो क्या कहे? वो इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि नहीं ऊपर से आया है, नेता लोग के सोर्स है, फलना है ढेकना है, हमको ले जाना है, हम ले जाइए जब आपका लेना है, सत्य का विजय कभी भी होगा होता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक कुमार, घर सीताराम सुंदर साहब घर का। धन्यवाद।